नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर के मानसरोवर में बनने जा रहे प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन की आधारशिला रख दी है। इस दौरान प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप दूर दूर से आए हैं, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, वहाँ आप गए ही होंगे, जहाँ एक शेर को देखने के लिए एक घंटों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में एक साथ हजारों शेर बैठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सभी शांति से बैठे हैं, अहंकार नहीं है, मोहब्बत है, नफ़रत नहीं है। जहाँ मोहब्बत के बाज़ार में नफरत की दुकान नहीं है। ये बीजेपी वाले पहले संसद में माइक करते थे, अब ये टीवी बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी वालों ने देखा होगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी को राहुल गांधी का डर लगता है, मेरी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, कार्रवाई पर एक्सीलेटर दबा दिया गया, हिंदुस्तान किस ओर जाएगा, 90 लोग तय कर रहे हैं। भारत के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की गई। साथ ही बोले कि राजस्थान सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, कांग्रेस ने एकीकरण की भूमिका निभाई, गहलोत सरकार ने जनघोषणा पत्र के वादे पूरे किए, जो मेहनत सोनिया और राहुल गांधी कर रहे हैं हमें उसी को आगे बढ़ाना है। अशोक गहलोत बोले 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा, संवैधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ रही है।